अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल आप सब लोगों का। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ, और मेरी आप सब लोगों के लिए यही दुआ है कि आप लोग जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको सेहत वाली ज़िंदगी अता करें, आमीन। तो अभी जो है इतने अरसे बाद, इतने टाइम के बाद जो है मैं अपने कमरे में आई हूँ। मैंने अपने कमरे की जो थी वो हालत देखी है, मुझे इतना अजीब अजीब सा लग रहा था, इतना वीरान सा पड़ा हुआ था, ऐसे मुझे बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है। क्योंकि इतना टाइम जो है ना, अपने एक जगह से बंदा दूसरी जगह पे एक इतना टाइम रहे ना, तो जब वो वापस उसी जगह पे आता है तो उसको फिर बहुत अजीब लगता है। यहाँ पे जो थी ये मेरी चेयर का जो था ना कवर था, यानी कि चेयर के ऊपर जो रखने वाला वो था, तो इसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो ये भी मैंने अपनी चेयर से हटा दिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है। तो बस यहीं पर थी मैं, अपने कमरे की हालत देख रही थी। मेरा कमरा ऐसे उजड़ा उजड़ा सा लग रहा था, इतना अजीब सा लग रहा था, मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही थी। तो बस अपनी कमरे की हालत देख रही थी। अब जो है अभी एक तो ये है कि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, गर्मी बहुत ज़्यादा मुझे लग रही है, बहुत ही ज़्यादा फील हो रही है, क्योंकि इतना टाइम जो था मुझे बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हुई थी, तो अब जो है मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी फील हो रही है। तो अभी ना यहाँ पे आके मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं कर रहा। अभी मैं कह रही हूँ कि दो तीन दिन जो है मैं एडजस्ट हो लूँ यहाँ पर, यानी कि गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, थोड़ा मौसम भी ठीक हो जाए तो फिर जो है ना अपने कमरे की हालत सीधी करूँगी। बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ पे, तो फारक बैठे हों तो गर्मी जो है वो पसीना खुशक नहीं हो रहा, तो कुछ काम करेंगे तो फिर और ज़्यादा पड़ेंगे। ये हमारा बैग वैसे ही पड़ा हुआ है जैसे आए थे, तो अभी बैग भी नहीं खोला, बस अभी कुछ भी नहीं किया, बस आए हैं तो बस आए हैं, कुछ भी नहीं किया। तो अपने कमरे को देख रही थी मैं, तो मैंने कहा था कि कितना मुझे ना अपना कमरा जो है वो बेरौनक सा लग रहा है, क्योंकि इतना टाइम जो था मैं अपने कमरे में नहीं रही थी। ऐसा ही होता है कि जब ना रहें तो ऐसे वो उस चीज़ की जो हालत होती है ना, वो ऐसे उजड़ी उजड़ी सी हो जाती है। तो मुझे बहुत ज़्यादा जो था ना यहाँ पे सब कुछ अजीब अजीब सा ही लग रहा था। अच्छा, इधर ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, क्यों पाँव, मेरे पाँव दो, पाँव दो, मेरे पाँव दो, मेरे पाँव दो, पाँव दो, पाँव दो मेरे, शाबाश शाबाश, पानी से दो, पानी से, अच्छे ये भी दो, दो दो, शाबाश, अच्छे अच्छे, पानी पानी डालो, पानी डालो ऊपर, अच्छा पानी डालो। तो यहाँ पे जो था अंश जो था वो बाहर पानी में बैठा हुआ था, पानी को एंजॉय कर रहा था, तो मैं भी उसके पास गई क्योंकि साथ में जो था ना वो पंप चल रहा था, पानी इतना ज़्यादा ठंडा आ रहा था, तो मेरा मुझे भी इतना अच्छा लग रहा था। मैंने कहा कि अंश चलो मेरे पाँव दो, तो वो मेरे पाँव दो रहा है। ये ऐसे ही करते हैं छोटे बच्चे हैं ना, इनको मैं कहती हूँ ना मेरे पाँव दबाओ, मेरे पाँव को ऐसे करो ये करो, तो ये बड़े शौक़ से करते हैं, बहुत प्यार से करते हैं ये बच्चे। तो अभी भी मैं उसको कह रही थी कि मेरे पाँव दो, मेरे पाँव पर ठंडा पानी डालो, तो वो डाल रहा था, इतना अच्छा लग रहा था मुझे ठंडा ठंडा पानी। गर्मी बहुत ज़्यादा है ना, मुझे तो पहले बिल्कुल भी पता नहीं था कि इतनी गर्मी है, मुझे तो अब आके मुझे पता चल रहा है कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी, मेरा तो गर्मी से बुरा हाल हो गया है। तो मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी ठंडे पानी में ना बैठ जाऊँ, मुझे भी दिल कर रहा था, लेकिन यह है कि ठंडा पानी जो था ना वो पंप चल रहा था, इतना ज़्यादा ठंडा पानी आ रहा था, तो बहुत मज़े का लग रहा था। पाँव को तो ज़्यादा ही पानी जो होता है ना वो ज़्यादा ठंडा लगता है, और गर्मी भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और फिर आप लोग जल्दी से मेरी वीडियो वॉच कर लें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें, और मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें। मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, जाहिर है सिर्फ मैं मेहनत से नई वीडियो बनाती हूँ, हर कोई जो भी ये वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं ना, जो भी व्लॉगिंग करते हैं, वो उनको पता है कि वो बहुत मेहनत से बनाते हैं। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि आप लोग मेरी वीडियो को फुल वॉच करते होंगे। तो बस यही थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआ करूँगी, आप मेरे लिए दुआ करिएगा। इंशाअल्लाह फिर एक नई वीडियो मुलाकात हो, तब के लिए अल्लाह हाफिज़।